हेलो एवरीवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो आज का जो पेपर लिया है मैंने वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द सेंटेंस सीएसएफ इज़ प्रिंसिपली सिक्रिटेड बाय सी एस एफ जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है ठीक है तो यहाँ पे जो टिक किए हुए ऑप्शन है वो ज़रूरी नहीं कि वही राइट हो करके अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके जो ऑप्शन है वो पढ़ लीजिए देख लीजिए फर्स्ट है एरेक्नाइट ग्रैन्यूलेशन बी है कोराइड प्लेक्शर सी है फोर्थ वेंट्रिकल एंड डी है ग्रे मैटर सेकेंड नंबर देखिए द हार्ट इज सप्लाइड विथ आर्ट्रियल ब्लड बाय द डैश आर्टरीज तो हार्ट को जो वो ब्लड सप्लाई होता है वो कौन सी आर्टरी से होता है तो फर्स्ट है पल्मोनरी, बी है कोरोनरी सी है कैरोटिड एंड डी है इंटरकोस्टल ठीक है मुझे लगता है ये आंसर सभी को आता होगा इसका क्या है ईजी आंसर है थर्ड नंबर है पेनक्रियाटिक जूस कंटेन डैश डाइजिट डाइजेस्टिव एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है तो फर्स्ट है टालीन बी है रेनिन सी है ट्रिप्सिन एंड डी है इरेप्सिन ठीक है तो जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है फोर्थ है इरेथ्रोसाइट्स आर बी सी आर प्रोड्यूस्ड इन डैश फर्स्ट है बोन मैरो बी है स्प्लीन सी है लीवर डी है हार्ट फिफ्थ फिफ्थ वन देखिए द ऑप्टिक नर्व गिव द सेंस ऑफ डैश स्मेल साइट टेस्ट एंड टच जो ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या दे मतलब क्या होता है उसका फंक्शन क्या होता है तो वो आपको लिखना है उसके बाद में देखिए मैच द फॉलोइंग फाइव मार्क्स के लिए ग्रुप ए में देखिए फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन बी है स्केलेटन थर्ड नंबर है फिब्रियोजैन फोर्थ नंबर है अपेंडिक्स एंड फिफ्थ नंबर है बाइल ग्रुप बी में देखिए डाइजेस्टिव डाइजेशन ऑफ फैट बी है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सी है बोनी फ्रेम वर्क डी है पिटिटोरी ग्लैंड एंड ई है राइट इलेक् फोसा नेक्स्ट देखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है मायोमेट्रियम इज द मिडल थीकैस स्मूथ मसल लेयर ऑफ यूट्रस जो मायोमेट्रियम है वो यूट्रस की लेयर है ऐसा इनका कहना है जो कि जो मिडल की लेयर है वो थीक है स्मूथ है ठीक है सेकेंड है द पावर हाउस ऑफ सेल इज़ द न्यूक्लियस सेल का जो पावर हाउस है वो न्यूक्लियस है अगर अभी तक के आपने मेरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सेल का जो वीडियो नहीं देखा वो आप देख लीजिए एक बार उसके अंदर ये जो सेल के जो ये डाउट है मतलब सेल का जो ये क्वेश्चन है मैंने उसमें बताया भी है कि ये उनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एक तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे ट्रू और फॉल्स में पूछेंगे कहीं ना कहीं तो भी ये पूछेंगे कि द पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है तो इन्होंने बोला है कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज़ न्यूक्लियस तो आप ही इसका आंसर मुझे बताइएगा कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है ठीक है थर्ड नंबर है ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल डोनर जो ए बी ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है फोर्थ नंबर है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग ईच साइकिल इज ब्रीदिंग इज हंड्रेड एम यानी जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है एक साइकिल के टाइम पे ब्रीदिंग के वो कितना हंड्रेड एम है फिफ्थ नंबर है शाइन बोन इज ऑल्सो एज अ नी कैप जो शाइन बोन है उसको ही हम नी कैप बोलते हैं ठीक है थीके? उसके बाद में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री फिफ्टीन मार्च के लिए है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ़ द सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पेपर में सेल के बारे में अगर कुछ ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता तो इसका भी मैंने बहुत ही अच्छा मतलब वीडियो बनाया है वो आप एक बार देख लीजिएगा बी नंबर है मैंस्टूरेशन साइकिल सी नंबर है पोर्टल सर्कुलेशन डी नंबर है फंक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम एंड ई नंबर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज़ नेक्स्ट देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ पेल्विक बोन एंड लेबल इट्स पार्ट्स ठीक है जो पेल्विक के आपको डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट को नाम देना है नेक्स्ट है ड्रॉ डायग्राम ऑफ रेस्परेटरी सिस्टम एंड लेबल इट्स पार्ट रेस्परेटरी सिस्टम के भी आपको डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट्स को नेम देना है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द लोब्स ऑफ सेरेबे सेरेब्रम सेरेब्रम के रोब्स लोब्स uh, को ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है फोर्थ वन देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्लासीफाइ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच जो जॉइंट्स के जो टाइप होते हैं उसको बताइए और उसका जो है कि आ, मतलब एग्जाम्पल एक दीजिए ड्रॉ अ नीट डाइग्राम ऑफ नेफरॉन एंड लेबल इट्स पार्ट एंड राइट द फंक्शन ऑफ नेफरॉन जो नेफ्रॉन होते हैं उसका एक डायग्राम बनाइए और उसके पार्ट को लेबल कीजिए देन फंक्शन बताइए नेफ्रॉन के सी नंबर देखिए ड्रॉ अ नेट डाइग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आई बॉल एंड लेबल इट ठीक है तो आई की भी आपको डायग्राम बनानी है उसको लेबल करना है और ठीक है आई के बारे में यहाँ पे पूछा है और मैं अगर आपको ये सॉल्व नहीं करा तो आप नीचे का सॉल्व कर सकते हैं ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फीमर बोन एंड लेबल ऑल द पार्ट फीमर बोन का आपको डायग्राम बनाना है उसके पार्ट को लेबल करना है पार्ट को नेम्स देना है लेबल करना यानी क्या होता है नेम्स देना है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को आपको डिस्क्राइब करना है राइट द मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को आपको बताना है नेक्स्ट फिफ्थ वन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिफाइन स्टरलाइजेशन एंड राइट इट्स राइट इन शॉर्ट वन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन दो स्टरलाइजेशन है उसको आपको डिफाइन करना है और स्टरलाइजेशन के जितने भी मेथड से आपको पता होंगे उसमें से एक मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है ठीक है नेक्स्ट है बी नंबर व्हाट इज इन्फेक्शन इन्फेक्शन यानी क्या है वो आपको बताना है टू मार्क्स के लिए राइट द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो मेथड होते हैं कि जिसके वजह से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है वो कौन से वो आपको बताना है फोर्थ वन देखिए एक्सप्लेन यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर बताना है ठीक है तो बहुत ईजी पेपर था ये नेक्स्ट uh, ऐसे ही वीडियो हम देखेंगे और भी पेपर जे एन एम बी एस सी नर्सिंग एंड पी बी बी एस सी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो औरों को भी आप शेयर कीजिए थैंक यू